और अब खबरें विस्तार से। लगता है अब घर में सोना भी शायद सुरक्षित नहीं है, खासकर गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोग गांव में अपने घर की खिड़कियां खोलकर सोते हैं, वह इसलिए कि ताजी हवा आ सके। बस यही खिड़की खोलकर सोना अब लोगों के लिए जानलेवा सा साबित हो रहा है, खासकर वैसे लोगों के लिए जिनकी किसी के साथ जानी दुश्मनी चल रही हो। अब आप कटिहार पोठिया की पश्चिमी चांदपुर पंचायत के सतबेहरी वार्ड संख्या 11 में घटी इस घटना को ही ले लीजिए। यहाँ के उप मुखिया मोहम्मद सलीम अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रहे थे। गर्मी के कारण खिड़कियां खुली थी, बस इसी का फायदा उठाकर बीती 8-9 जून की रात लगभग 12:30 बजे कुछ लोग उनके घर के बरामदे में पहुंचे और खिड़की से हाथ घुसाकर कमरे में सो रहे उप मुखिया के बेटे मोहम्मद वारिस पर गोली चला दी। गोली सीधे मोहम्मद वारिस के चेहरे पर लगी, वह घायल हो गया। इधर गोली की आवाज सुनकर बगल में सो रहे उसके पिता मोहम्मद सलीम हड़बड़ाकर उठे और दरवाजा खोलकर बाहर निकले। मोहम्मद सलीम की माने तो उन्होंने घर के बरामदे से भागते हुए कई लोगों को देखा, जिसमें विशाल कुमार यादव, गुलशन यादव, कैलाश यादव और किशोर यादव शामिल है। घायल के पिता मोहम्मद सलीम का कहना है कि यह चारों लोग मेरे बेटे से रंगदारी मांग रहे थे। दो दिन पूर्व 7 जून शुक्रवार को जब मेरा बेटा खेत से लौट रहा था तो रास्ते में कबीर मठ के पास नशे में धुत इन चारों लोगों ने उसे रोका और उससे पैसे की मांग करने लगे। इन चारों ने मेरे बेटे को यह धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। इन सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए घायल के पिता ने पोठिया थाने में आवेदन देते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना में दो लड़का खेत से आ रहा था, उसके बाद वो दारू गड्ढा है वहाँ पे, वो पी खा करके जबरदस्ती मोटरसाइकिल रोक के इसका गाली गलौज देने लगा, गंदा गंदा गाली देने लगा। वो थोड़ा हो जाता है ना, थोड़ा गुस्सा में ये भी हल्का फल्का बोल दिया होगा। उसके बाद वो बोला क्या, तुमको हम कल देखेंगे, कल रात में तुमको गोली मार देंगे। स्पष्ट वो बोला कि गोली मार दे, तो रात में आके यहाँ पे गोली सुराया हुआ था, 12:30 बजे आया, उन्हें 1 बजे लमसम में वो गोली मार दिया उसको। क्यों मारा, आखिर इसका मेन वजह क्या होगा? गोली मेन वजह वही है कि खाली उसको गाड़ी से आ रहा था, थोड़ा पिकअप में थोड़ा उसको रोक दिया वो जबरदस्ती उसको। अच्छा। उसके कारण उसको गाली गोली देने लगा वो। अच्छा। क्या नाम था जो गोली मारा? नाम तो हम सही से नहीं जानते, उसका नाम पता है, पी के आ रहा था जो गोली मारा वो पी के आ रहा था। अच्छा, वही बाइक से स्पीड में आ रहा था? नहीं, इसका लड़का जिसको गोली मारा है वो आ रहा था बाइक से। अच्छा अच्छा, ये कब की घटना है? लमसम में एक क्या मरने का वहाँ पे का, यहाँ का घटना, यहाँ 12:30 बजे का घटना है। 12:30 बजे का, क्या नाम है जिसको गोली लगा है? मोहम्मद वारिस। आप उसके कौन है? उसका भाई है। ऐसे वहाँ कल दिन में वो लोग सब पी खा करके हमारा बेटा खेत से आ रहा था, उसको बुलाए मादर चौधरी को, गंदा शब्द से गाली दिया तो हमारा बेटा भाई को फोन किया, भाग गया यहाँ से, सब अपना अपना साइड ले लिया। बोला क्या 8 बजे दिन में दिखा देंगे तुमको, 8 बजे दिन में देखिए कैसे गोली चलेगा। वो बोल के रह गया, रात में 1 बजा रात वो आके खिड़की के पार से गोली मार के चला गया। उन लोग कौन था? वो सदानंद यादव का पोता, दिलीप का बेटा है। कौन देखा उसको मारते हुए? देखा हमारा लड़का, देखा जिसको गोली मारा, चार लड़का से था। क्या नाम था जो गोली, चार लड़का से था तो कौन कौन था? एक तो किशोर था जी, एक तो गुलशन था, एगो लड़का कैला था, और एक ठो भूपाली यादव का बेटा था। कितना चोट लगा है, कितना गोली जो लगा है, कितना गहरा लगा हुआ है? गोली लगा, अच्छे गहरा लगा है, यहाँ पे गोली लग गया है, गोली मार के वो लोग धराधरी कल गया। किसको किसको गोली लगा है? बाप बेटा दोनों सोया था रूम में जी, खिड़की के पार से गोली वो मार के चला गया, जान से मारने के लिए आया था। कब की घटना है? रात में 1 बजे। अभी कहाँ पे है वो? अभी वो हॉस्पिटल में है, सब गया है थाना हथियार बनाने। आपका क्या नाम हुआ?
मेरी नाम है नूरिशा खातून। कौन है आप उसके? उसकी माँ। इधर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार ने हमारे समेली संवाददाता राधा को बताया कि घटना को लेकर आवेदन मिला है और पुलिस के द्वारा मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। क्या गर्मी से परेशान है? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3-star AC, 5-star AC और स्मार्ट AC। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम। तो जल्दी करें, सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452242573। अगर आप जानते हैं मार्केटिंग और आप है इसमें एक्सपर्ट, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब, तो भी आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करे, वेतनमान 25,000 तक, योग्यता के अनुसार। आवेदन करने का पता KBC न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जून 2024 तक।